एकता कपूर टीवी पर नया शो लेकर आ रही हैं। नाम है जोधा अकबर, जिसमें जोधा और अकबर की लव स्टोरी के अलावा अकबर के जीवन के बाकी के हिस्सों को भी काफी करीब से दिखाया जाएगा। He's powerful, he's successful and he's young. So that's a pretty deadly combination. He's just like a wild horse. If he'll run, he will not stop running and just keep running and running because that's what he is all about. He's a very powerful energy which can be used both for good and for evil. Destiny बदलने वाली है, जोधा अकबर को बदलने वाली है, और वो किस तरीके से बदलेगी यही आपको शो में देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जोधा के बारे में मेंशन नहीं है, बट इतना मेंशन है कि राजपुताना प्रिंसेस थी जोधा, जिसकी शादी अकबर से हुई थी, और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है अकबर को द ग्रेट अकबर, द नोबल अकबर बनाने में। आदम खान इज अ क्रेजी वाइल्ड कैरेक्टर, ही इज वेरी अग्रेसिव और बॉडी वॉडी है, बहुत जोश है, लेकिन उसमें दिमाग थोड़ा कम है। तो जिसकी उसकी मॉम उसके शी हेल्प्स हिम आउट एंड टू प्लान एंड स्कीम एंड ऑल, तो वो एक किंग बनना चाहता है, ही वांट्स टू टेक ओवर अकबर्स किंगडम। टीवी के एक चैनल ने महाराणा प्रताप को मैदान में उतारा है, तो एकता कपूर उसका मुकाबला करने के लिए दूसरे चैनल पर जोधा अकबर को लेकर आ गई हैं। हिस्ट्री विल गिव यू द इंसिडेंट, हाउ यू अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टर इज ओपन टू परसेप्शन। हियर इज अ बॉय हु इज 14, हिज मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इज स्पेंट ऑन द हॉर्स बैक, ही इज ऑलमोस्ट रूल्ड एंड टॉट व्हाट टू डू बाय हिज फादर लाइक अंकल। ही हैज mother, but he's more close to the guy who brought him up. At that point of time, when he's almost an emperor, he's only 21 years old. At the age of 21, immense power, not in a democracy, and we know how it happens in a democracy, people go mad. I decided to create the Akbar that through various books, through various stories, through various incidences of research, we understood. TV पर historical shows को अच्छा response मिलने में थोड़ा वक्त लगता है। उम्मीद है महाराणा प्रताप के मुकाबले मैदान में उतरे जोधा अकबर को audience जरूर पसंद करेगी।